हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे पास बहुत थोड़ी सी न्यूज़ है, तो वीडियो थोड़ा सा ही है, तो पूरा देख लेना प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है ट्रिगर इंसान की तरफ से, तो कोई उनके चैनल पे स्ट्राइक मारने की कोशिश किया है, तो आप भी देखिए वो कौन है। टोनी कक्कड़ का रोस्ट का अभी उस वीडियो को बनाने में बहुत पंगा है बाबा, वो कॉपीराइट का पंगा है, तुम जानते ही हो। अरे तुम्हें पता है ढिंचैक पूजा ने मेरी वीडियो पे वो मारने की कोशिश करी, स्ट्राइक मारने की कोशिश करी, पर यूट्यूब ने कहा कि नहीं गल इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बच गया मैं। अगली न्यूज है एंग्री प्राज की तरफ से, तो उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो 4 दिन पहले ही हॉस्पिटलाइज हुए हैं, लेकिन आई विश वो जल्दी से ठीक हो जाए। अब हम बात करने वाले बाबा के ढाबा के बारे में। बाबा के ढाबा और उनके मैनेजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, तो उसमें बाबा के ढाबा थोड़ा इमोशनली होकर रोने लगे हैं, और उसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है। तो आप ही देखिए उस वीडियो का छोटा सा वीडियो क्लिप। आज भी कोई कहता है कि बाबा लालची है, कोई क्या कहता है, कोई गाली देता है। आज हम 80 साल की उम्र में गाली सुन रहे हैं, और लोग बाग कोई कह रहा कि मैनेजर रख लिए, वो क्यों रख दे, ये हमारे पास नहीं सार, हमारे पास कोई चीज नहीं, पैसे कोई नहीं लेता हमारे से। आज तक यही जो करते अपने पैसे करते हैं, सुबह मैं खुद 6 बजे यहाँ पर 6:30 बजे पहुँच जाता, बस मेहनत करता हूँ। आज मुझे कोई लालच नहीं है, कोई कहते कि बाबा लालची है, पैसे लेके उगर गया, कोई कहता बाबा ढाबा बंद हो गया, कोई कहता बाबा गिरफ्तार हो गया। अब बताइए 80 साल के बाद। अगली न्यूज है साइमन सेज की तरफ से, तो साइमन सेज अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किए थे, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो और आमिर श्री कोलैब करने वाले हैं, तो आई होप हमें उनका वीडियो जल्द देखने को मिल जाए। अगली न्यूज है पबजी बैन से रिलेटेड, तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली को हमें खुशखबरी मिल सकती है कि पबजी वापस आ रहा है, उसी रिगार्डिंग टेक्निकल क्रूजी ये बोले हैं। इतनी जल्दी एक ऑफिशियल अपडेट भी आ गया सीधा कि दोस्तों जो क्राफ्टन कॉर्पोरेशन है, जो कि बेसिकली पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी है, तो यहाँ दोस्तों क्राफ्टन ने अपनी डील जो है वो अनाउंस कर दी है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ में, और यहाँ पर दोस्तों ये मतलब जो है इनके सर्वर्स पे गेम को होस्ट किया जाएगा। तो मतलब अभी हम बात कर रहे हैं फॉरगेट एनीथिंग एल्स, दोस्तों बात हो रही है सभी डेटा की सर्वर्स वगैरह की, तो वो अभी ग्लोबल डील हो चुकी है क्राफ्टन इनकॉर्पोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बीच में। इसका मतलब अभी दोस्तों इंडिया में भी जो इंडियन यूजर्स उनका डेटा इंडिया में, प्राइवेसी वगैरह कोई इशू नहीं होगा। क्राफ्टन एक कोरियन कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी, तो यहाँ पे दोस्तों जो चाइनीज बीच में नाम आता है वो भी निकल जाता है टेंसेंट वगैरह का, हालांकि वो पार्टी तो पहले भी जो है वो डिसमिस कर दी थी। तो यहाँ पे भैया मतलब ये काफी अच्छी। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज।